गजब। माने के पड़ी भाई आपकी, कोनो दुल्हिन नई नई अपनी दुल्हा से बड़ा परेशान है ओपी भाई। हाय हाय हाय, कहे क्या कहे, ये कहे जाए है पिया जवानी हमारी, जाए है पिया जवानी हमारी जराई रे गई लगना, जाए पिया जवानी हमारी जराई रे गई लगना, हो हो हो, अरे जाए पिया जवानी हमारी जराई रे गई लगना, एगो नचनिए है कारण कनिया के भुलाई रे गइलाना, एगो नचनिए है कारण कनिया के भुलाई रे गइलाना, एगो नचनिए है कारण कनिया के भुलाई रे बाबूजी। हम गायिका नीतू राज अपने साथियों की आवाज में ओपी म्यूजिक के तरफ से बिरहा आप लोगन के बीच में भेजत बानी। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारी बिरहा आपको कैसी लगती है। जो भी जहां आपको कमी महसूस हो, जहां कमी नजर आए, उसे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। ये हमारा आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ करके। बाबा, जो भी गलती होगी क्षमा करेंगे। और एक ऐसी बिरहा फैजाबाद का एक ऐसा कांड जो सुनने के बाद कलेजा मुंह को आ जाएगा कि आज के इस आधुनिक परिवेश में अभी ऐसा हो रहा है क्या, जहां भाग दौड़ की जिंदगी में दो पल किसी का इंतजार करना असहज हो गया है, वहां इतने दिन तक कोई किसी का इंतजार करता है। सहेली बिरहा का शीर्षक मिली, सहेली क्या होती है सहेली, बड़ी बिरहा दोस्ती के ऊपर आप लोग सुन ले होगा, लेकिन सहेली लड़कियों की दोस्ती जब लड़कियों से होती है तो उसे सहेली कहा जाता है, सखी कहा जाता है। चार लाइन भूमिका में भाव हो मास्टर। तो दास्ता दोस्ती की सुने है बहुत, एक सुनिए सुनाती हूँ अद्भुत पहेली, त्याग अनुराग ममता यो मर्यादा खातिर, लुटाई समूल जान पे अपने खेली, साथ जिनके पलियों बढ़ी लाडली, घात कर डाली उससे हुई जब अकेली, हुआ ज्ञान तो है वो सबको दिखाई, सियाराम क्या चीज होती सहेली। क्या होती है सहेली, क्या होती है दोस्ती, जब हमें आपको ज्ञान होता है तब उस चीज का पता चलता है। बचपन में जब माई बाप मन का डांट दे कि बिटिया ये काम ना करे, कि ये बात गलत है, ये काम गलत है,
हम लोग के बड़ा बुरा लगे बहादुर भैया कि जब देखा माई टोके ले, जब देखा माई रोके ले, बाहू टोके लन। लेकिन आज याद आवाला कि वो समय बाबू माई जवन कहत रहन उ सही रहल, हम गलत रहली। लेकिन ये ज्ञान कब हुआ? जब हम बड़े हुए। उस वक्त तो बहुत बुरा लगता था। ठीक वैसी ही कहानी, बड़ा दर्दनाक बिरहा। आप लोग गौर से सुनियन, और हमार निवेदन है बिरहा सुने वाले भैया लोगन से कि ये बिरहा के आप लोग हाथ जोड़े थी कि पूरा सुनियन। कहानी बड़ी दर्दनाक है मास्टर, कहना के एक लाइन, बड़ी पुरानी कव्वाली कवि जी बिरहा में लिख दहलन, जवन फिल्म सनम बेवफा कई गीत बा। आवा तनी तो अल्लाह करम करना, अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, अल्लाह करम करना, लेकिन बिरहा के अंदर दो लाइन बड़ी सुंदर भाव लिखल गई। क्या होती है नारी, क्या कहना के आइए। यही है बहन बेटी, यही है बहन बेटी, यही है बहू माता, यही है बहन बेटी, यही है बहू माता, यही है बहन बेटी, यही है बहू बेटी, यही है बहू माता, यही है बहन बेटी, यही है बहू माता, यही है बहन बेटी, यही है बहू माता, यही है बहन बेटी, यही है बहू माता, यही है बहू माता, यही हमारी आपकी होती है जन्मदाता, यही हमारी आपकी होती है जन्मदाता, यही कहानी शुरू भइल। नारी के ऊपर कवि जी लाइन लिखले रलन, यही है बहन बेटी, यही है बहू माता, यही हमारी आपकी होती है जन्मदाता। नारियों से संसार है, हम ना कहती ला, ये लोग कहले इतिहास गवाह। कहानी शुरू हो गई मास्टर। नारी से नर नारायण जहान है सारा, नारी ने अपने आंचल में सबको संभारा। गौर करेंगे, नारी से नर नारायण जहान है सारा, नारी ने अपने आंचल में सबको संभारा। सतीत्व से संसार को संवारती नारी, अफसोस आज अपनों से हारती नारी। अफसोस यही है, इसी बात का अफसोस है कि आज अपनों से ही नारी हार रही है। कहना है यूपी के फैजाबाद की अजीब कहानी। कहानी कहाँ का मिला? यही उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का। यूपी के फैजाबाद की अजीब कहानी, केसर की सुता सीमा हो गई सयानी। सहेली उसकी सबनम की जान से प्यारी, माता पिता बचपन में गए थे बिसारी। पढ़ाई करते करते छह साल है बीता, पढ़ाई करते करते छह साल है बीता, सबनम की बात सुनकर क्या हो गई चिंता। गौर करेंगे, उत्तर प्रदेश बतौली फैजाबाद की कहानी है।
केसर, सीमा के पिता जिसका नाम केसर था, सीमा के पिता केसर जी, सीमा की एक सहेली जिसका नाम था शबनम, और बाबूजी शबनम के माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, माँ बाप दोनों मर चुके थे शबनम के, चाचा और चाची दोनों शबनम के पाल पोस के बड़ा करत हुए। उसी दौरान पढ़ाई पीरियड चल रहा कि शबनम का दोस्ती सीमा से हो गई। कक्षा छह की छात्रा थी शबनम और सीमा, सीमा और शबनम की दोस्ती कक्षा छह में हो गई, सहेली बन गई दोनों और बहुत पक्की दोस्ती हो गई दोनों में, बहुत पक्की सहेली बन गई लीन। पढ़ाई पीरियड ऐसा होला ओ समय सहेली सहेली का जूट खा जा लीन, वो के खियाई, वो अपन टिफिन ओके खियाई, हम लोग भी खेले ही। पढ़ाई पीरियड का कुछ ऐसा बातें रहे ले। आज सीमा और शबनम की दोस्ती बड़ी पक्की हो गई बाबा। गौर करेंगे बाबूजी, बिरहा में एक लाइन गीत लगल केंद्र कभी जी भाव लिखत हुन। पढ़ते पढ़ते दोनों शबनम और सीमा को छह साल का वक्त बीता के दोनों इंटर में पहुंच जाती हैं। बड़ी पक्की सहेली दोनों सीमा और शबनम इंटर में पहुंच जाती हैं। पढ़ते पढ़ते होता क्या है गौर करेंगे। इंटर में पहुंची और इंटर के परीक्षा के लास्ट वाले दिन की बात है। क्या लिखे कभी जी आइए।
दोनों की इतनी गहरी दोस्ती हो चुकी है सीमा और शबनम की। छह साल में दोनों इतनी पक्की सहेली हो जाती है, इतनी पक्की सहेली हो जाती है कि दोनों एक दिन भी अगर वो क्लास नहीं आती है तो ये सहेली बेचैन हो जाती है। और पढ़ते पढ़ते मैंने बताया कि इंटर में पहुंची, इंटर का पेपर चल रहा है, लास्ट दिन आज है, पेपर हो गया। और पेपर होने के बाद बोल पड़ी सीमा कि अब तो इंटर का पेपर हो गया शबनम, हम लोग आगे बीए करेंगे, तो ये बता बीए में कहाँ अपना एडमिशन कराओगी, किस स्कूल में? जिस स्कूल में तेरा एडमिशन होगा उसी स्कूल में मैं अपना एडमिशन कराऊंगी। बोल पड़ी शबनम ये आगे की पढ़ने की बात सुन करके उसकी आंखों में आंसू आ गया। क्यों रो रही है? बताने लगी मास्टर कहना है सलीम बीटे करी है 2 लाख सालाना भरी है कैसे रही है कि आगे एडमिशन बीए में मैं जहाँ कराऊंगी वहीं कराऊंगी, लेकिन ए सखी हो सकता है कि मैं आगे अब पढ़ाई न कर पाऊँ। चाचा कह रहे हैं कि इंटर हो गया बहुत है, अब तुम सिलाई कढ़ाई का काम सीख लो, अब आगे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। बोली क्यों चाचा नहीं पढ़ाएंगे? इसलिए कि मेरा एक भाई है सलीम, चाचा उसको बीटेक कराना चाहते हैं सीमा, और जब चाचा उसे बीटेक कराएंगे तो 2 लाख रुपए सालाना लगेगा, और वो उनका बेटा है, वो तो मेरे चाचा है ना, मेरे माँ बाप तो है नहीं दुनिया में, कौन मुझे आगे पढ़ाएगा? कहती है कि अरे तेरे माँ बाप नहीं है चाचा, तुझे नहीं पढ़ाएंगे, बेटे को बीटेक कराएंगे, मैं तुझे पढ़ाऊंगी अपने पैसे से, अपने खर्चे से मैं तुझे पढ़ाऊंगी, तू चिंता मत कर, तेरी सहेली हूँ आखिर, इतना तो मेरा हक बनता है ना। कलश की सुनो मेरी बात, का कहती है मास्टर? अम्मी आपू के बिना लागला हमके सुना, लागला हमके सुना, चाची कराव कुल अपने साथ पढ़ाने के लिए, लेकिन सच तो यह है कि अम्मी अब्बू मेरे जब से मुझे दुनिया में छोड़कर चले गए, जब से मैंने खुद संभाला अपने अम्मी अब्बू के रूप में अपने चाचा और चाची को देखा, तो यही मेरे अम्मी है, यही मेरे अब्बू, मैं इनके बिना कहीं रह नहीं पाऊंगी। सुनो मेरी बात, कहती है क्या कहल बहानी हम बागी नीला चार सीमा, मैं समझ रही हूँ कि तू मेरी इतनी अच्छी सहेली है कि तू मेरे हर सुख दुख में कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, हर दुख में हर सुख में तू मेरा हमेशा साथ देगी, मैं जानती हूँ, लेकिन सच तो यही है कि मैं भी अपने चाचा और चाची के बिना नहीं रह पाऊंगी, और मेरा भाई सलीम बीटेक करना चाहता है, अगर चाचा उसे बीटेक करना चाहते हैं कि वो उनका बेटा है तो क्या गलत है, कर लेने दे, और तू एमए कर ले, बीए कर ले, और मेरी कसम है तुझे, सीमा कहती है कि अगर तू पढ़ाई छोड़ रही है तो मैं भी अब यही पढ़ाई छोड़ दूंगी, नहीं पढ़ूंगी,
कसम दे देती है सबनम सीमा को, नहीं तुझे कसम है मेरी कि तू पढ़ाई किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, तुझे पढ़ना होगा, मेरी सौगंध है तुझे, तुझे पढ़ना होगा, तुझे अभी बहुत आगे जाना है। मैं तो मजबूरी में पढ़ाई छोड़ रही हूँ, लेकिन ये सीमा तुझे कोई मजबूरी नहीं है, तू पढ़, मैं चाहती हूँ कि तू बहुत आगे जा, लेकिन कभी मुझे भूलना मत, कभी किसी मोड़ पर मेरी अगर तुझसे मुलाकात हो जाए तो इतना याद रखना कि मुझे पहचान लेना। अय हाय हाय, दोनों सखी दोनों सहेली यहीं से जुदा हो जाती है। कहना है मास्टर बिरहा में गीत बदल गई का भय, गड़िया चलावेला बलमुआ, रेल गड़िया चलावेला बलमुआ, देखे लाला लाल झंडी, दबावेला बलमुआ, वो दबावेला बलमुआ, देखल नहीं लाल झंडी, लेकिन समय बीता है बाबूजी, और समय बीता, समय कहाँ पहुंचल है मास्टर, हवा सीमा रो गई छछपतिया, सीमा रो गई छछपतिया, मुहे से नहीं आवे बतिया, कहे सखिया हो का, कहे सखिया, कहे सखिया हो का, कहे सखिया, कहे सखिया हो का, कहे सखिया, खेला खेलावे किस्मतिया, खेला खेलावे किस्मतिया, मुहे से नहीं आवे बतिया, खेला खेलावे किस्मतिया, मुहे से नहीं आवे जी। कसम को निभाते निभाते आज सीमा एमए कर लेती है, एमए कर ली तो हुआ क्या, कौनो मेहरारू कहत है मास्टर, वह गीत बा का कहे कि सैया बदल भले जाए हो, अरे सैया बदल भले जाए हो, चुनरिया का बूटी ना बदले, सुन तऊ का कहले है जवाब देले, किस्मत हमारे गैल फूटी, किस्मत हमारे गैल फूटी, छछुनरी का आदत ना छूटी, भाव लगल का भइल, ए मैं सीमा कैली भाई, ए मैं सीमा कैली भाई, सगाई के दिन वहां पड़ल बा,
बाबूजी, जब सीमा का सगाई का दिन नक्शा गया, सीमा का शादी पड़ गई, सगाई होने वाली है, अपनी सखी शबनम को निमंत्रण सोचती है कि क्यों दूसरे से भिजवाऊंगी, मैं स्वयं जाऊंगी अपने सखी को न्योता देने के लिए अपने शादी का। हुआ क्या, न्योता देवे गईली शबनम के घर, शादी का जाती है सीमा सबनम के घर, तो होता क्या गए, गईलिन घरे, जब पहुंचलिन सबनम का पता नहीं गए, उसकी चाची मिलती है दरवाजे पर, पूछत है इन कि चाची ये मेरे शादी का कार्ड है कि मैं अपनी सखी सबनम को देने आई हूं, कहां है मेरी सखी सबनम। अये हाय हाय भयल का, नेवता देवे गईली सबनम के घर, कलिन की सबनम ना लौक थी, हमार सखी सबनम कहाँ है बाबा, कल उफर पर है तुहार सबनम, तो के पता ना हा? बा। कलिन की चाची क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं पता है बाबा, आखिर बताओ क्या हुआ। कलिन की तुहार सबनम नकिये कटा देलिन, नकिये कटा देलिन, कलिन कैसन कौन काम कलिन की नाक कट गई। कलिन की बिटिया वो कौनो के लेके भाग गई, वो कौनो के लेके भाग गई, पता ना चलल आज ले कि कहाँ गई, कौने के साथे गई, कुछ भी ओकरता पता हमन के ना, नकिये कटा देलेस। बोल पड़ी सीमा, बस करो चाची, मेरी सहेली शबनम ऐसा जीवन में नहीं कर सकती है, जितना आप नहीं जानती हैं उसके बारे में, उससे ज्यादा मैं जानती हूँ अपने सखी शबनम को, ऐसा गलत काम मेरी सखी सबनम जीवन में नहीं कर सकती है। आपको जरूर कोई गलत न्यूज मिली है, गलत खबर मिली है, मैं जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, मर सकती है खाए बिना, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती है बाबा। कलिन की हाँ, हम उसके माँ बाप हैं, और हमसे ज्यादा तुम मेरी बेटी को जानती हो, चलो जाओ, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, और आइंदा फिर इस दरवाजे पर कभी आना मत, आज से तुम्हारा रिश्ता इस घर से खत्म है, कभी भूल कर भी इस दरवाजे पर मत आना। लौटा देती है सीमा को, और सीमा निमंत्रण का कार्ड लेकर के हाथ में रो रही है अपने सखी को याद करके। होता क्या कि मास्टर बिरहा में गीत बदल गई, बड़ी पुरान गीत है, कौन गीत है? कौनो दुल्हिन का दुल्हा ओपी भाई, ब्याह शादी करुलन दो चार महीना बितौलन, दुल्हन के साथे ओकरी बाद गईना कलकत्ता कोइलोरी कमाए, गईना कमाए त बहादुर बिया 14-15 साल का दिन बीत गल, अइबे न कइला। आजकल का दुल्हन इंतजार करी है, पहले के याद इंतजार करे अपने मर्दे का, 15 साल बीत गल ना एलन, बड़ा मन मार के बैठल ही, सखी पूछतिन का भयल, तइहे बतौलिन का कहलिन। Yeah. Hey!
सीमा का और सुरेंदर दुल्हा बन करके चलल गुन सीमा के दुल्हिन बनावे बदे हर दरवाजे पर भव्य स्वागत करे खातिन लोग खड़ा हुवन होता क्या के आइए दुल्हा सुरेंदर संग सीमा कुमारिया खुशी खुशी सीमा की शादी सुरेंदर से होती है बाबूजी। बहुत बढ़िया ढंग से रीति रिवाज हिंदुस्तान की जो परंपरा है रीति रिवाज के अनुसार सीमा की शादी सुरेंदर के संग बड़ी खुशी खुशी भइल बीत गई। दुल्हन बनकर के मांग में सुरेंदर के नाम का सिंदूर भर के सीमा अपने ससुराल आती है। गौर करेंगे ससुराल में सीमा आई है और जब ससुराल में सीमा आई है बहुत अच्छा बढ़िया ढंग से लोग उनकर स्वागत केलन जैसन नई दुल्हन के ससुराल में हो खेला। पूरा दिन तो बीता और रात हुआ गए और रात को दुल्हन बन करके जो दुल्हन ससुराल में जाती है कि हजारों लाखों सपने सजा करके दिल में जो पहली रात जिस रात को सुहाग की रात कहते हैं बाबूजी हजारों सपने लेकर के सुहाग रात के सेज पर अपने पति सुरेंदर का इंतजार कर रही है सीमा कि मेरा पति आएगा मेरे घूंघट को उठाएगा आज मेरी पहली रात है और मेरी सुहाग की रात है। अपने पति का इंतजार कर रही है घूंघट काट करके सीमा पति सुरेंदर का। लेकिन होता क्या है मास्टर साहब गौर करेंगे इंतजार कर रही है इंतजार पे इंतजार इंतजार पे इंतजार कर रही है। दस बज गया ग्यारह बजा बारह बज गया रात दो बज गया रात अभी तक उसका पति सुरेंदर आया नहीं है घर पर। सुबह हो गई और जब सुबह हो गई है सुबह आया है तो पूरा नशे में लिप्त है नशे में धुत है उसे होश ख्याल नहीं है कि पूरी रात बीत गई सुहाग की रात थी और सुबह हो गई है और सुबह आया भी है तो इस हालात में आया है। तेरी से भाव कभी जी लिखत हुन कहा भईल मास्टर अरे सपनवा सब सुहागिन के टूटल अरे भैया सपनवा सब सुहागिनी के टूटल मदिरा पान करत बा कोठे पर सजनवा अरसा जनवा अरसा जनावा
सपनवा सब सुहागिन के टूटल, मदिरा पान करत बा कोठे पर सजनवा, सपनवा सब सुहागिन के टूटल। लाखों सपने सजा करके इंतजार कर रही थी और नहीं आया, सुबह आया भी है तो नशे में धुत है। बोल पड़ी सीमा, रात भर मैंने आपका इंतजार किया और आप सुबह आ रहे हैं, कहाँ थे रात भर आप? आपको बताना होगा, मैं आपकी पत्नी को इतना तो मेरा हक बनता है कि मुझसे साफ साफ बताइए कि आप रात भर कहाँ थे। साफ साफ सुरेंद्र बता देता है कि मैं जानना चाहती हूँ मैं कहाँ था रात भर। सुनो, बोल पड़ी है, पैर पकड़ी है, कहती है का कहलन मास्टर? अपने पति का पैर पकड़ के कहले से, धई के पायरिया रोवे सीमा गुजरिया हो, सीमा गुजरिया हो, सुना सा जनावा मार जी, सुरायो सुंदरी से ध्यानवा स्वामी, धनवा भाटाला स्वामी, आप से कई दाती रस काला जी। साफ साफ बता दिया कि मीनाबाई के कोठे पर मैं रात भर था और रात भर मैं मीनाबाई के कोठे पर बिता करा रहा हूँ और बराबर जाता हूँ। ऐसा नहीं कि तुझसे शादी करने के बाद मैं अपना इरादा बदल दूंगा, ये मेरा आए दिन का काम है, मेरा रोज का काम है। पैर पकड़ करके रो रही है, कलश किए स्वामी, जब कैला तब कैला, तब हम ना रहली, लेकिन अब जब हमसे शादी कर ले हुआ, हम तार पत्नी बन के घर में आ चुकल ही, अब ये कुल से ध्यान हटा ला, ये कुल से ध्यान हटा दा, हम तुहार पत्नी है, अब सारा सारा ध्यान हमरे पर आप कर रहे के चाहिए। रो रही है सीमा अपने पति को पकड़ करके सुरेंद्र को, बाबू जी कहलिन का धन बाता यार दोस्ता, प्यारी कोठे वाली हो, प्यारी कोठे वाली हो, खाली हो दे सब भी सार जी। आज स्वामी कान खोल के मर बात ध्यान से सुन ला, पढ़ी लिखी लड़की है मेरे पास, अपने पति को जब पहली ही रात में नहीं पाती के बाबू जी बौखला गई, कोठे पर जाते हैं जाते थे, अब ये मत जाइए, जब आप जाते थे तो जाते थे लेकिन अब नहीं जाना है, जब तक आपके पास पैसा है तब तक यार दोस्त हुन कोठे वाली है सब कुछ है, जो न दिन पैसा ना रही वही दिन तुम्हारा औकात तो के लोग दिखा दी है। समझावत बा कहे का कहे, इतनी बात अपने पति के जब समझौले है तब तक वो कमीना कैले का हम मास्टर, यही पे कमीना खींच के मरले बाला तावा से, मरले बाला तावा से, गिर गईली बियाही पे जार जी। सारी बात जब सीमा समझावत है कि स्वामी कुल छोड़ दा, कुल अच्छा काम ना हो, दौलत रुपया पैसा जब तक तोरे पास है तब तक कोठे वाली यार दोस्त सब लोग तोरे आगे पीछे लौकत है, जोने दिन यह कुल ना रही न तुहार औकात तोके दिखा दी है। मान जा स्वामी अब्बो से यह पैर पकड़ के कहते था बाबू, तब तक नशे में धुत सुरेंद्र खींच करके लात मारता है सीमा को, खींच के लात मारा का भाग जा मेरे घर से, मुझे मना करने वाली कल की तू आई है और आज मेरी माँ बन बैठी, मैं जो करता था वही करूंगा, तुझे रहना है तो रह मेरे साथ नहीं तो चली जा इस घर से। मारता है खींच के लात, लेकिन भैल का मास्टर जो समय लात खींच के मरले है आवा तनी तो पहपट के अंदर भाव लगा, बिटिया नहीं हर आईली, बिटिया आईली नहीं हरी, देख हलदिया छतिया फाटत बा, माई बाप से कहली सारी पतिया छतिया फाटत बा, माई बाप से कहली सारी
माँ बाप से सारी बात को बताती है नैहर आके। मैके जब आईल अपने माई बाप से लगल रो रो के सारी बात कहे कि माँ जिससे तूने मेरी विवाह किया है, जिसको तूने मेरा पति बनाया है, वो सुरेंद्र एक नंबर का नालायक अय्यास दारूबाज नशेबाज है। माई कलिन के रे बिटिया, तब तक बहुत बड़ी भूल हो गई, इतना बड़ा नशेड़ी रल हमन जनते ना रली। सुन मेरी बात, कल इस लड़किया का कहले मास्टर तक कहली माई रोवा जनी हम कर दूसर शादी हो, नीच बाऊ ना कबहु सुधरी कर दे बर्बादी हो, कहली सीमा ना करबा हम घटिया छतिया फाटत बाय, सात जन्म का बाट मोर संग घटिया छतिया फाटत बाय। माई हुई है बाबूजी, बेटी के पहले ही रात में इतनी बड़ी दुर्दशा जब देखी तो माई बाप कबो चाही को घरे फिर बिटिया हमार जाए। जवन लड़की सुहाग रात के सेज पर अपने पति का रात भर इंतजार के लिए पति कहता पता ना, और सुबेरे आवत भी है तो नशा में धूत कोठे पर से मीना बाई के कोठा पर से आवत है, और बड़े ताव से बड़ा सीना ठोक के कहत भी है कि मीना बाई के कोठा पे रलिए का कर भी, अई हमार रोज का काम है पी ला कोठा पे जाई ला, कोनो नशा बाकी ना है। कल है के उतरल हूँ, आज हमें सजेशन देत हूँ, इतना कह के लात खींच के मरले है, तक कौन लड़की है जो फिर वो घरे में उसे अभी नामना सामना करी। आई मतारी सारी बात के जब कहले मतारी समझावे लगल कि बेटी वो घरे में तोर ना भी थी, हम जान गए ली कि अमन से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब वो घरे में तोर कदापि न भी थी, वो घरे तो के ना जाए कि अब तोर दूसर शादी कर बढ़िया लड़का देख के ना जाए के, लेकिन बार हिंदुस्तान की नारी, बार एक हिंदुस्तान की नारी माँ को समझा रही है कि ना ही माई अब तो हमार ब्याह कही देले हो, माँ अब तो तू मेरी शादी कर ही दी है, और ये शादी एक जन्म नहीं सात जन्मों का रिश्ता होता है, और सात जन्मों का मेरा उसका रिश्ता तूने जोड़ दिया है, तो मैं उसे छोड़ करके कैसे अब दूसरे के साथ शादी करने के लिए जाऊंगी। नहीं माँ नहीं, अब मैं दूसरे से शादी नहीं करूंगी, लायक हो चाहे नालायक हो, भला के बुरा के जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, यही है हिंदुस्तान की नारी। आए हाय बाबू जी, लेकिन बारे दुनिया फिर कहे के पड़ल तनी आवा मास्टर आल्हा में भाव हकार। अरे हवस के धुन में कुल भी लववल है बाबू, सात जन्म का रिश्ता कह के आ गई है ससुराल, फिर से ससुराल आ गई है, समय बीता लागल वही में दुख सुख काटत बा, कभी जी लिखत हुन का हवसी हवसी के धुन में कुल भी लववल है बाबू, नशा दारू का नशा लोग कहलन की हवस ये ऐसा आग है, कहीं आग लग जाई दो चार बल्टी पानी डाल दे बा लोगन बुता जाई, लेकिन ये हवस का आग ऐसा बोले भैया कबो ना बुताई, कबो ना ही बुताई, अये करे परपच में जे पड़ल ऊपर बाद हो गया, ओके फिर कोई दुनिया में संहार ना सकत, कहे के पड़ल कभी जी लिखलन हली भगाई मीना गाड़ी
रुपया दौलत जब ओकर धीरे धीरे कुल ओराय गयल सुरेंदर का, तो वही कोठे की बाई कोठे वाली मीना बाई उसे भगा देती है अपने कोठे से, भाग जाओ आज के बाद इस कोठे पर कभी मत आना। हुआ क्या, दीहली भगाई मीना बाई कोठवा से पंचो, खोजा करते थे साथ ले जाया करते थे, आज वह संगी साथी सुरेंदर के देखे तो रास्ता बदल दे। जब सब कुछ बर्बाद कर दिया सुरेंदर ने कोठे पर, तो वही संगी साथी सुरेंदर को देखा करते थे रास्ता बदल देते थे। केहू पर भी बात लागू हो सके ले, अच्छा दिन में दुनिया रहे ले साथे, लेकिन जब तुहार तनी सा बुरा वक्त आ जाई बहादुर भैया, तो निक निक आदमी देख के तुके रास्ता बदल दी। हाँ कहे के पड़ल बा, रोग से ग्रसीता होके भीख मांग लागला बाबू, इस कमी ने सुरेंदर ने, और अंततोगत्वा परिणाम ये निकला बाबूजी की बीमार हो गया, इतना सीरियस हो गया, कई गो बीमारी के पकड़ ले हलेस। और खबर जब उसके ससुराल वालों के मिलती के दाने दाने को मोहताज हो गया, सीमा लेकर के अपने पति को, जैसे कभी सती सावित्री अपने पति को लेकर के परेशान थी, आज उसी तरह से सीमा अपनी गरीबी हालत में अपने पति सुरेंदर को लेकर परेशान के, माँ बाप सीमा के मदद कर रहे हैं। भाईल का मास्टर पावता खबरिया गईली सीमा दूलिया बाबू, सीमा अपने जो शादी में उसे गहना मिला था चढ़ा था ससुराल से, चाहे मायका से जो बचा कुचा था सुरेंदर से, उस गहने को बेच करके सीमा अपने पति का इलाज करवा रही है। लेके आई है, कहाँ लेके आई है, आवा सीधी अस्पताल रेफर कैले बाबी अच्छू भैया, रेफर कर देता है सुरेंदर को कि इसे बीएचयू लेकर के जाओ, अब बीएचयू के डॉक्टर इसका इलाज करेंगे तभी ये ठीक होगा, अब हमारे बस की बात नहीं है, हम ठीक नहीं कर पाएंगे। रेफर कर दिया उसने सुरेंदर को बनारस बीएचयू के लिए। भाईल का मास्टर पर्ची कटो लीन, पर्ची कटा के बीएचयू में लाइन लगू ले गई, लाइन में आगे इनके गुजरिया बाबू, बाबू
जब आई ही बीएचयू में लाइन लगूले ही पर्ची कटल बा देखावे खातिर सुरेंद्र का इलाज करावे खातिर डॉक्टर साहब से। ओ समय बाबूजी एक इनके सामने इनके ठीक आगे वाली लाइन में मतलब जिसे 6 नंबर 7 नंबर होला वही तरह 6 नंबर में कोई है, कोई 7 नंबर में, कोई 8 नंबर में, कोई 9 नंबर में लाइन लगे ले पर्ची कटे ले बीएचयू में जे गए लो ही जानत हुई। आज 6 नंबर में और 7 नंबर में कहा सुनी हो गई। 6 नंबर 7 नंबर में कहा सुनी हो गई यही बीएचयू में लाइन लगल है। आगे हम दिखाई वही में दोनों जाने में बात विवाद बढ़ गई। तब तक डॉक्टर द्वारा अंदर से अलाउंस होता है कि शाहपुर फैजाबाद की शबनम मरीज जो है 6 नंबर वो केबिन में आ जाए। अलाउंस हो गया डॉक्टर के द्वारा और इधर शबनम जाने लगती है। तब तक शबनम का नाम सुनते ही सीमा अवाक हो गई कि शबनम नाम है फैजाबाद शाहपुर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सखी शबनम है फैजाबाद शाहपुर। लेकिन वो तो नहीं हो सकती, वो तो बहुत गरीब थी, ये तो गहनों से लदी है, इसके शरीर में इतना गहना लदा है और ये गहनों से पटी है पूरा, और ये मेरी सखी शबनम हो ही नहीं सकती, वो तो बहुत गरीब थी। ओ मेरी सखी शबनम तो बहुत ही सरल स्वभाव की थी, बड़ी सीधी साधी लड़की थी, और ये तो लग रहा है कि बहुत बड़े घर की है, ये तो मैं में पूरा चूर है, इसके पूरे शरीर से ही लग रहा है कि बहुत बहुत गुरूर इसके अंदर है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोली है सीमा, जब वापस आई है दिखा करके शबनम अंदर से आई है बाहर, तब तक सीमा बोल पड़ी है कि शबनम कल इसकी 2 मिनट इंतजार करना यहीं पर मेरा, मैं अंदर से अभी बस 5 मिनट में गई और आई और तुझसे 2 बात मुझे करना है। बोल पड़ी शबनम कि तुम हो कौन, क्यों मुझसे बात करना चाहती हो, बाबा आखिर तुम्हें बात क्या करना है। कलश की हाथ जोड़ रही हूँ, 2 मिनट मेरा इंतजार कर लेना, फैजाबाद शाहपुर की हो ना तुम, शबनम नाम है तुम्हारा ना, फैजाबाद शाहपुर। कलश की हाँ मैं फैजाबाद शाहपुर की हूँ बाबा, लेकिन तुम्हें बात क्या करना है। कलश की 2 मिनट बस मेरा इंतजार कर ले, मैं आ रही हूँ, ज्यादा तेरा समय नहीं लूंगी, बस 2 मिनट तुझसे बात करना चाहती हूँ। 2 मिनट का हवाला दे के गई सीमा अंदर अपने पति सुरेंद्र के लेके, जैसे ही देखौलस देखा के अंदर से पति के लेके बाहर आई लिया, जब बाहर आई लिया बाबू तो शबनम और सीमा की बातें होने लगी। बोल पड़ी सीमा, बोल पड़ी कि शबनम भूल गई तू सारे वादे, क्या क्या वादा तूने मुझसे किया था, क्या तुझे एक भी वादा याद नहीं है, एक भी वादा याद नहीं है सखी, बाबा तू शबनम है। गरज के बोल पड़ी शबनम, पहली मत बुझाओ मेरे पास टाइम नहीं है, साफ साफ मुद्दे पर आओ, तुम कहना क्या चाहती हो। बाह बारे शबनम बाह, तुझे सीमा के लिए 2 मिनट का समय नहीं है, बहुत अच्छा तूने अपने दोस्ती का फर्ज निभाया है, मैं वही हूँ, गौर से देख, मैं वही तेरी सखी सीमा हूँ जिसके बिना कभी तू एक पल चैन नहीं लिया करती थी, जिसको एक दिन देखती नहीं थी तो बेचैन हो जाया करती थी, जिसके लिए तूने कितनी कितनी कसमें खाया, कितने कितने वादे किए थे, सारे वादे को भूल गई, सारे कसमों को भूल गई तू। याद कर जब मैं अमीर थी और तू गरीब थी, आज जहां मैं हूं वहां कभी तू हुआ करती थी और जहां तू है कभी वहां मैं हुआ करती थी। क्या बात है, क्या मैं तेरे साथ ऐसे ही पेश आया करती थी जैसे आज तू मेरे साथ पेश आ रही है, मैं वही तेरी सखी सीमा हूं। हाँ का लेंस हटाकर गौर से देख मेरी सखी, गौर से देख तब तुझे मैं दिखाई दूंगी, वरना दिखाई नहीं दे सकती मैं। रो रही है सीमा और कह रही है शबनम से, भैल का मास्टर शबनम शाहपुर फैजाबाद अरे बोलाइल बनमवा, बरसा सीमा का नयनवा नमन
बोल पड़ी सीमा, बहुत बढ़िया काम करके आई है शबनम तू, मुझे ये यकीन नहीं विश्वास नहीं हुआ कि तू ऐसा काम करके आई है। बोल पड़ी शबनम, क्या कह रही हूँ मैं, मैंने ऐसा क्या किया गए? तब बताती है सीमावा, कहली चाचा चाची के तू अरे नकिया कटवलू हो, दुख में सखी अपने अरे सीमा के तू भूलैलू हो, जेकरा साथे का थाली में तू खैलू खाना हुआ, बरस सीमा का नया नवा न मान मान जब मेरी शादी पड़ी शबनम तो मैं अपने खास से तेरे घर गई निमंत्रण देने के लिए कि मैं दूसरे से नहीं, मैं अपने सखी शबनम को अपने खास से निमंत्रण दूंगी। और जब मैं वहां गई तो तेरी सारी सच्चाई को तेरे चाचा और चाची ने बयां किया, तू तो ऐसी नहीं थी और इतना बड़ा कदम तूने कैसे उठा लिया, अपने चाचा चाची की नाक कटा दिया तूने। बोल पड़ी शबनम, सीमा अब तू ज्यादा बोल रही है, मैंने ऐसा किया क्या है? कलश की अभी पूछ रही हूँ क्या क्या है? तूने तो वो किया कि जो भगवान भी तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अरे तेरे माँ बाप गुजर गए थे, तेरे चाचा और चाची ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि एक दिन बड़ी होकर के तू इनकी इज्जत आबरू को लूट लेगी? अपने चाचा चाची के नाक को कटा दिया तूने, किसी और को लेकर अपने घर से भाग गई, इतना बड़ा कदम तूने उठा लिया। जब इतनी बात सीमा कहती है तो बोल पड़ी शबनम की अब एक लफ्ज आगे मत बोलना, चुप हो जा, इसके आगे एक शब्द मत बोलना। सीमा मैं जान गई कि तू ही मेरी सखी सीमा के बचपन की सहेली, जिस सहेली के साथ मैं इंटर तक पढ़ी थी। इतना बड़ा कलंक तू मेरे सर पर मत लगा, मत लगा सीमा, मेरे सर पर इतना बड़ा कलंक, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया गए। जानना ही चाहती है पाप किसने किया गए? तो पाप अगर किसी ने किया गए सीमा तो मेरे चाचा और चाची ने किया है। मैंने कुछ भी पाप नहीं किया है। कलश की चाचा चाची ने पाप किया है? क्या किया गया चाचा चाची ने तेरे साथ? तुझे पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया, क्या किया तेरे चाचा चाची ने तेरे साथ? खलस की चाचा चाची ने तो वो मेरे साथ किया जो कभी दुश्मन भी अपने अपनों के साथ नहीं करेगा, एक दुश्मन भी दुश्मन के साथ नहीं करेगा, वो मेरे अपनों ने मेरे साथ कर दिया। मेरे चाचा ने, मेरी चाची ने पैसे के लालच में आकर के मुझे कोठे पर बेच दिया, मुझे ले जा करके कोठे पर मेरे चाचा चाची ने बेच दिया और मैं कोठे की बेस्या बन करके रह गई। जानती हो मैं कौन हूँ? मीनाबाई हूँ। मीनाबाई का नाम सुनकर के एक बार सीमा तो अवाक है, लेकिन ध्यान देंगे, बोल पड़ी कि दो मकान मेरे पास है, एक आलीशान मकान मेरा बनारस में है, एक आलीशान मकान मेरा सीधी में है। कलश की तू मीनाबाई? कलश की हाँ मैं मीनाबाई हूँ। आए हाय हाय बाबू। कलश की बोल पड़ी शबनम की सीमा तू यहाँ क्या करने के लिए आई है? मेरे बारे में तूने बहुत कुछ पूछ लिया, अब अपने बारे में कुछ बता कि तू यहाँ बीएचयू में क्या करने के लिए आई है? चल दिखाती हूँ तुझे, जानना चाहती है तो चल मैं तुझे दिखाऊं कि मैं क्यों आई हूँ। ले गई अपने पति के पास जहाँ उसका पति स्ट्रेचर पर लेटा है, बाबूजी सीमा का पति सुरेंदर। सुरेंदर को जब देखती है मीनाबाई रोंगटे खड़े हो गए, ये कौन है? बोल पड़ी सीमा हाथ जोड़ करके कि दुर्भाग्य से सखी यही मेरा पति है सुरेंदर, बहुत अमीर था, मेरे माँ बाप ने बहुत अमीर घर घराना देख करके, बहुत पैसे वाला लड़का देख करके मेरी शादी इस सुरेंदर के साथ कर दिया था, लेकिन इसकी बुरी लत ने इसे बर्बाद कर दिया। ये कोठे पे जाता था और कोठे की जा करके इसने अपनी सारी दौलत को लुटा दिया।
अब हम कंगाल हो चुके हैं, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, मायके वाले सहारा के दाने दाने को मैं मोहताज हो चुकी हूँ, कोई नहीं मेरा दुनिया में संभालने वाला मुझे। सबनम कलश की, अरे ये तेरा पति है, ये वही सुरेंदर है जो मेरे कोठे पर आया करता था, मैं वही मीना बाई हूँ सीमा जिस कोठे वाली के पास तेरा पति आया करता था। मैंने ही तेरी दुनिया को उजाड़ा है सखी, मैं ही वो अभागन हूँ जो अपनी ही सखी की दुनिया को उजाड़ बैठी, और मुझे नहीं पता था कि ये वही सुरेंदर है मेरी सखी सीमा का पति जिसे मैं बर्बाद कर रही हूँ। आये हाय हाय, आंख से दोनों सखी के झरझर झरझर आंस चले लगल, रो रही है। शबनम, कलश की दोस्ती का फर्ज तो अब तूने अदा कर दिया है, अब दोस्ती का फर्ज अदा करेगी तेरी सखी ये शबनम। कहले इसका मास्टर अवा सगरी कखनिया बतावा लगली सखिया, देख के सुरंदर का बरसत बाय अखिया, तुरत वापस कह दियाली उनकर दिहाला थनावा, तुरत वापस कह दियाली उनकर दिहाला थनावा, बरस सीमा का नयन माना माना मानवा। सखी ने, एक सहेली ने अपनी सहेली होने का फर्ज अदा किया बाबूजी। बोल पड़ी कि जब सीमा मैंने तेरी दुनिया को उजाड़ा के छोड़, तेरी पति की जो गलती थी मैं उसे माफ करती हूँ बाबा, लेकिन आज असली सखी का फर्ज मैं अदा करूंगी, सारी दौलत को वापस कर देती है। बोल पड़ी शबनम की, 3 मंजिला मकान मेरा इसी बनारस लंका पर है, आज ही मैं इसी वक्त तेरे नाम करती हूँ, और जितना दौलत मुझ पर सुरेंदर ने लुटाया है उसका 2 गुना करके मैं तुझे वापस करने के लिए तैयार हूँ। इसी वक्त मैं सारी दौलत तेरी 2 गुनी करके तुझे वापस करती हूँ सखी, ये तेरी सखी शबनम का वादा के चल ले ले। अभी फर्ज अदा किया शबनम ने अपने सखी सीमा के साथ दोस्ती का, आज भी शबनम और सीमा दोनों आज भी जिंदा है बाबूजी। ऐसी दोस्ती आज भी इस कलयुग के आधुनिक परिवेश में भी जिंदा है। ये होती है सहेली, ये है ये फैजाबाद की करुण कहानी रही, जो फैजाबाद अयोध्या से शुरू होती है और आकर काशी में खत्म होती है। तो यही पर कहानी खत्म हुई, खानदान का परिचय है मास्टर। गुरु बिहारी गुरु रमन फिर फूला फूल गुलशन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, सपनवा सब सुहागिन के टूटल नीतू सी